वेटनरी महाविद्यालय स्थित डीन बंगले के पास सोमवार की सुबह तेंदुए के पदचिन्ह मिले हैं। जैसे ही डीन डॉक्टर आर के शर्मा ने इन पदचिन्हों को देखा तो तत्काल वाइल्ड लाइफ टीम को मौके पर बुलाया और जांच की गई। प्रारंभिक जांच में यह बताया गया कि यह पदचिन्ह तेंदुए के ही हैं। कॉलेज से लगे सर्किट हाउस नंबर 2 में भी तेंदुए की हरकत देखी गई है। गौरतलब है कि एक दिन पहले वेटनरी कॉलेज में कर्मचारी ने न्यूट्रिशन विभाग के पास तेंदुए को देखा था, जिसके बाद विश्वविद्यालय की वाइल्ड लाइफ टीम एक्सपर्ट और वन विभाग की टीम ने मुआयना किया। मौके पर जांच में पता चला कि तेंदुए होने से जुड़े कोई चिन्ह नहीं मिले हैं, लेकिन सोमवार को मिले पदचिन्ह के बाद यह तय हो गया कि वेटनरी कॉलेज में तेंदुआ मौजूद था। वन विभाग ने भी सभी को सुरक्षित घर में रहने को कहा है। बताया जाता है कि वेटनरी कॉलेज से लगे सर्किट हाउस में भी तेंदुआ देखा गया था। वन विभाग ने वेटनरी और सर्किट हाउस के आसपास रहने वाले लोगों को घर में ही रहने की हिदायत दी है। अब विभाग क्षेत्रों में कैमरे लगाकर निगरानी करने जा रहा है। आज जो एक तेंदुआ जो पिछले रात में सर्किट हाउस में देखा गया था, उसकी रेस्क्यू ऑपरेशन की कार्रवाई की गई। इसमें जो हमारा अमला है, पुलिस का, फॉरेस्ट का, वेटनरी कॉलेज का और एक हमारे एनजीओ साथी हैं, तो इतने टीम्स ने मिलकर आज की जो रेस्क्यू ऑपरेशन की कार्रवाई की है। तो उसे ढूंढने का प्रयास किया गया तेंदुए को, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि तेंदुआ एक सेफ पैसेज लेकर अपने जंगल की ओर वो चला गया। क्या वजह रही कि ये जो इसको तेंदुआ पकड़ नहीं पाए, कहीं कहाँ चूक हुई? ये चूक नहीं कहा जा सकता है। जैसे आपको विदित है कि जो तेंदुआ होता है एक हाईली इल्यूसिव जानवर होता है ना, अपने लिए मतलब वो छुप कर बैठ सकता है, वो पेड़ चढ़ सकता है, तो एक वर्सेटाइल जानवर भी है, हर एक प्रकार के वो हैबिटेट्स में वो रह सकता है और इसी वजह से वो शहरी क्षेत्र में भी आ जाता है। आज का रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ पर चला? ये वेटनरी जी हाँ, कल रात में नहीं, कल सुबह 6 बजे से है वो इधर। मैंने तो नहीं देखा, बस सभी जगह खबर है, ये पूरी टीम भी आई हुई है इधर पकड़ने के लिए। अभी पता चला है कि वो अंदर एनिमल हाउस है, अंदर उसके अंदर कहीं बैठा हुआ है, वो जंगल में अंदर कहीं पकड़ने की तैयारी चल रही है। वेटनरी कैंपस है, ये पशु चिकित्सालय वेटनरी कैंप। मैं यहीं सामने, घर के सामने ही बैठा हूँ।